जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आज हमारी क्लास है डिपॉजिट्स, क्लास नंबर 4। एंड कुछ भी इसके बारे में बताने से पहले अगेन प्लस और आइकॉनिक का बारे में बता देना चाहता हूँ कि अब ये सीए फाइनल में भी आ रहा है आइकॉनिक। तो आपके जो भी बड़े भाई बहन जो फाइनल कर रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे देना कि आइकॉनिक अब सीए फाइनल में भी आ रहा है, तो दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन देयर सीए फाइनल कोर्सेस। ठीक है, चले। आज हम लोग कर रहे हैं डिपॉजिट की लास्ट क्लास है भैया, और डिपॉजिट लास्ट इस क्लास के अंदर व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप फटाफट अपने असाइनमेंट पे आ जाइए, अपनी बुक्स पे आ जाइएगा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और जिसमें से पेपर में आजकल भर भर के दे रहा है वो कि क्या डिपॉजिट है और क्या नहीं है डिपॉजिट्स, डिपॉजिट क्या है और क्या नहीं है। चलो जी, तो अब अपन लोग समझने वाले हैं कि डिपॉजिट क्या है। जी, तो अब हम आगे समझने वाले हैं डिपॉजिट क्या है और क्या नहीं है। तो डिपॉजिट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता ये हम समझने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। डिपॉजिट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31, द टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। यानी कि अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है बाय द वे ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट के नाम से ही, या फिर लोन के नाम से, या फिर किसी भी और फॉर्म में, डेट वगैरह किसी भी और फॉर्म में, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी कि कुछ भी जो लोन के रूप में, डेट के रूप में या डिपॉजिट के नाम से आपके पास आया वो डिपॉजिट है, बट उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं देखना शुरू करना। पहला, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर सोर्स वेयर द पेमेंट इज गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी और अमाउंट रिसीव फ्रॉम द स्टेचुटरी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर, ये डिपॉजिट नहीं है। जिन्होंने डिपॉजिट की क्लास पहले कर रखी है उनके लिए भी हाईली रिकमेंड है कि ये क्लास जरूर गो थ्रू करें बेटा। हाँ जी, चाहे वो अप्रैल वाले हों, मई वाले हों, जो भी हों, ये क्लास जरूर देख लेना। चले, नहीं तो क्योंकि इस टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिसमें से 6 नंबर का सवाल आजकल इसी में से ही आ रहा है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। डिपॉजिट में क्या नहीं आता? देखो जी, मैंने जब डिपॉजिट का चैप्टर बताया था तो मैंने कहा डिपॉजिट में आप पब्लिक से पैसा रेस करते हो या मेंबर से रेस कर सकते करते हो, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होता है उस पैसे की सुरक्षा करना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा सेफ रहे, उस पैसे की सुरक्षा करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। होता है, कोई दिक्कत तो नहीं? चले, हम पब्लिक के पैसे की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, समझ आया? हम मेंबर्स के पैसे की सुरक्षा करना चाह रहे हैं, समझ आया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे की क्या सुरक्षा करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानती है, और उसके लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसीजन भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा इन्हीं में से एक डिसीजन, सेक्शन 62 सबसेक्शन 4, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा डूबे या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा डूबे, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, नॉन कन्वर्टेबल लोन को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा डूबने लगे तो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है लोन्स में या शेयर्स में, सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा था। तो इसलिए उस पैसे को बचाने की जरूरत नहीं है, वो बचा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरन गवर्नमेंट, फॉरन इंटरनेशनल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फेमा। यानी कि कुछ भी जो फॉरन गवर्नमेंट्स वगैरह से मिला है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे का विशेष ध्यान रखती है क्योंकि हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, तो इनके पैसे को ध्यान रखने के लिए सेबी भी बैठा है, क्योंकि ऐसी विशिष्ट संस्थाएं ऑलरेडी इस पैसे का ध्यान रखने के लिए हैं
तो हमें इन रूल से इनको सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनीज की बात करूं तो भैया बैंकिंग कंपनीज के पास ना अपना अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं क्रेडिट लोन डिपार्टमेंट। एक दिन देना बैटरी वीक हो गई लग रहा है कुंदन। तो इनके पास ना अपना एक डिपार्टमेंट होता है बैंकिंग कंपनीज के पास जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट। मैं भी 10 साल उसी डिपार्टमेंट में काम करके आया हूँ। तो कोई भी लोन, कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होता है एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी तो यहाँ पर हमें उसको डिपॉजिट मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उस पैसे, बैंकों के पैसे को आप क्या सुरक्षित करोगे? बैंकों के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतना स्टाफ है कि वो अपने आप से पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। तुम क्या सुरक्षा प्रदान करोगे इन रूल्स के द्वारा उसे यार? तो जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है उनको यहां से डिपॉजिट के डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया है। सुनिएगा आगे। चलो जी, तो एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अमाउंट जो कि बैंकों से और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जस्ट एज अ बैंक, आपको कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उनको सुरक्षा क्या देंगे? उनके पास ऑलरेडी इतना स्टाफ होता है, इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम होती है, तो उन्हें आप क्या सुरक्षा देंगे? फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट एनी इश्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर होते हैं एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये तो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना? तो फिर, और जबकि डिपॉजिट हमने देखा ये सिक्योर्ड है, खासकर पब्लिक से मंगा रहे हो तो सिक्योर्ड है, दोनों में कंप्लीटली मिसमैच है। तो इसलिए कमर्शियल पेपर्स जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक आप इश्यू करते हो, दे आर नॉट डिपॉजिट्स, तो उसे उनसे अलग माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और हो गया कमर्शियल पेपर हो गया, हाँ, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। अब देखो जी, वो अमाउंट जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी से प्राप्त करती है, दोबारा बोलता हूं, वो अमाउंट जो कि कंपनी, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से प्राप्त करती है उसे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और डिपॉजिट कहते हैं। इनके लिए लॉ में एक स्पेसिफिक सेक्शन बना हुआ है कॉल्ड सेक्शन 186। तो ये वहां गवर्न होती हैं, गवर्न्ड बाय सेक्शन 186। तो ये सेक्शन 186 के द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड पर्सुएंट एन ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, ओके, इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस टुवर्ड्स द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यानी कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है ये कहता है ये भी डिपॉजिट्स नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्या क्या डिपॉजिट्स नहीं है, तो ये भी डिपॉजिट्स नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है ये? एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड पर्सुएंट एन ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, ये शेयर, ये डिपॉजिट्स नहीं है। अच्छा, नहीं है, आगे की एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। कहता है जी, इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच द एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटीज वॉज रिसीव्ड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी कि अगर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और आपने अलॉटमेंट नहीं किया, मैं कह सकता हूं शेयर एप्लीकेशन मनी अगर आपको रिसीव्ड हुआ तो ये डिपॉजिट नहीं है, नॉट डिपॉजिट्स,
ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि इसमें तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाना है। परंतु अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए अगर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ और इसके बावजूद आपने 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया, अच्छा, और 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया और उसके बाद एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं किया अगले 15 दिन में, 60+75 मतलब 75th डे तक, तो ये अमाउंट जो है उसके बाद डिपॉजिट माना जाएगा। यानी कि हाउएवर इफ कुड नॉट बी रिटर्न्ड will amount to deposits after 75 days। ये मैं डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा हूं। तो डिपॉजिट का पैसा, सॉरी, जो एप्लीकेशन का पैसा पहले 60 दिन तक, तो ठीक है 60 दिन तक अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो अगले 15 दिन में लौटा दो, 15 दिन में नहीं लौटाया तो 75 डेज के बाद, मतलब 76 डेज एंड ऑनवर्ड्स ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। तो फिर डिपॉजिट के नियम कानून इस पे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस बहुत हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। फिर कहता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। दो बार सवाल पूछा जा चुका है इस पे भाई साहब। तो कोई भी अमाउंट जो कि आप रिसीव करते हो किससे, डायरेक्टर से, तो वो डिपॉजिट नहीं है। सिमिलरली डायरेक्टर के रिलेटिव से, इनकेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टर के रिलेटिव से रिसीव कर रहे हो तो वो भी डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। बट कहता है प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज द केस मे बी फ्रॉम मनी हुम द मनी इज रिसीव्ड फर्निशेस टू द कंपनी, यानी कि कंपनी को देंगे क्या, एट द टाइम ऑफ गिविंग द मनी अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग टू द इफेक्ट दैट अमाउंट इज नॉट गिवन आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर एंड द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द मनी सो एक्सेप्ट इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। यानी कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी किस व्यक्ति को, डायरेक्टर को या फिर उनके रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम होम मनी इज रिसीव्ड, तो वो कंपनी को पैसा देते हुए एक डिक्लेरेशन देंगे कि अमाउंट जो है बोरोड फंड से एक्सेप्ट नहीं किया गया और फ्रॉम एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर, ताकि इनडायरेक्टली लोगों से पैसा रेस करके आप कंपनी में डिपॉजिट के रूप में पैसा लगा रहे हो और एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। पता लगा मार्केट से सस्ते रेट पे लोन उठाया आपने 6% पे और यहां दे रहे हो 11%, क्योंकि तुम ही डायरेक्टर हो, 11-11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इसलिए डिक्लेरेशन दो। अच्छा, ये डिक्लेरेशन नहीं दे पाए तो ये डिपॉजिट है, फिर जो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन, फिर जो डिपॉजिट का ट्रीटमेंट होता है वो इनका, ये भी इनका भी वही मिलेगा। अगर ये बोरोइंग की अंडरटेकिंग दे देते हैं तो डिपॉजिट नहीं है। तो मैं अगर बात करूं कि डायरेक्टर की ऑफ कंपनी या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर मनी रिसीव्ड, अगर पैसा रिसीव्ड हुआ इन्हें, अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं किस चीज की डिक्लेरेशन, पहला debt not acquired by borrowing etc.,
ये पैसा बोरोइंग एक्सेट्रा से हमने एक्वायर नहीं किया है, ये पैसा हमने बोरोइंग वगैरह से एक्वायर नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? ये डिपॉजिट नहीं है, नॉट डिपॉजिट्स। बट अगर ये अंडरटेकिंग ये नहीं दे पाते, एल्स टू बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। टू बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स, तो इसे अपन लोग अदरवाइज डिपॉजिट्स मान लेंगे अगर आप ये अंडरटेकिंग देने की पोजीशन में नहीं हो। ठीक है जी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, पब्लिक लिमिटेड के रिलेटिव के लिए नहीं है, डायरेक्टर के रिलेटिव के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहते जी एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ द बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट चार्ज और अ चार्ज रैंकिंग पेरी पासू विद द फर्स्ट चार्ज on any assets excluding intangible assets of the company or the bonds or debenture compulsory convertible into shares of the company within 10 years. दोबारा पढ़ लो जी, any amount raised by the way of issue of the bonds or debentures secured by first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any assets excluding the intangible assets. भाई साहब, अगर आपने कोई अमाउंट रेज किया और उस अमाउंट रेज करने के कारण आपको, मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है, आपने लोन लिया और बदले में आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है, तो अब जब सिक्योरिटी क्रिएट कर दी तो क्या मतलब और सुरक्षा कितनी लेना चाहते हो, जान ले लोगे क्या? एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर, यानी कि जो 100% सिक्योर्ड डिबेंचर है तो उनके लिए तो अलग गाइडलाइंस बनी हुई है ना, सेक्शन 71, हमने डिबेंचर का पूरा चैप्टर उसके लिए निपटा डाला, तो उनको किस बात की सुरक्षा देने जा रहे हो यार? वो उनको सुरक्षा की जरूरत है? दे आर ऑलरेडी सुरक्षित। तो लिखा है कोई भी जो कंपल्स, कोई भी जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं जो कि सिक्योर्ड हैं, अनकन्वर्टेबल इंटू, अच्छा, और डिबेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंटू शेयर्स, तो उनको नहीं जरूरत है, उनको नहीं जरूरत है भाई साहब, इन सुरक्षाओं की जरूरत उन्हें नहीं है। पढ़ लीजिएगा, मैं कहता हूं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इनको डिपॉजिट्स का शेल्टर, डिपॉजिट की सुरक्षा नहीं चाहिए। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो वैसे ही सिक्योर्ड है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर को इसलिए नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिट नहीं है भाई साहब, वो तो इक्विटी में कन्वर्ट होने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द वे ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी आ गए, ये क्या हो रहा है? नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पर ये चीज आ गई, अब क्या सुरक्षा दोगे इसे? बेशक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल है, मान लेता हूं कन्वर्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट अनसिक्योर्ड भी है। ओहो, आंख में आंसू आ गए होंगे देखते कि भाई अनसिक्योर्ड है, अरे अब क्या होगा? प्लस सुरक्षा आ तो गई, लिस्टेड है ना, तो सेबी की रेगुलेशंस इसके ऊपर वैसे ही अप्लाई हो रही है, तो लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बस इन्हें क्या सुरक्षा दोगे? इनके लिए वैसे ही सभी की गाइडलाइंस हैं।
पारी पासू का मतलब होता है जब दो बैंक मिलकर एक ही एसेट के ऊपर चार्ज शेयर कर रहे होते हैं, उसे पारी पासू कहते हैं। अप्रूवा, यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दो जी, डन का मैसेज दे दो। आएगा कहता जी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, ओ माय गॉड, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। यानी कि अप टू एनुअल सैलरी तक का जो, अप टू एनुअल सैलरी, प्लस नॉन इंटरेस्ट यानी कि कोई इंटरेस्ट ना हो, टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट नहीं है, एनुअल सैलरी तक और सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप। कई बार फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, से फॉर एग्जांपल मारुति, ये लोग क्या करते हैं, मारुति वगैरह क्या करते हैं कि जब ये पैसा लेते हैं अपने इंप्लॉयज से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिन इंप्लॉयज को लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो इंप्लॉय काम कर रहा है, काम करते करते जेब में डाली जो चार पांच गोटियां, वो जो चाबियां होती हैं वो चार पांच जेब में डाली और निकल लिया, वहां तो लाखों रुपए की चाबी आएगी, कंपनी का तो कुंडा हो गया। तो इसलिए नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं कि एम्प्लॉयज को हायर करते हुए ना, उन्हें उनसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाती हैं कि भैया अगर कहीं कल को आप हमारा कोई कीमती सामान लेके भाग गए तो फिर हमारा आपके इन एसेट्स के ऊपर कब्जा तो रहेगा। इसलिए बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन अ ट्रस्ट। तो अगर ट्रस्ट में कोई नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट आता है तो ये उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अकाउंटेड फॉर एज एन एडवांस। यानी कि देखो जी, जब भी आपको एडवांस रिसीव होगा फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बदले में गुड्स या सर्विसेज आएंगी? यस। चले, नहीं आशीष, नहीं। तो यानी कि जब गुड्स या सर्विसेज के लिए आप एडवांस देते हो ना, तो उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज मिलनी होती है क्योंकि, तो इसलिए वो डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इन परसुएंस ऑफ अ स्टिपुलेशन ऑफ अ लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक। कई बार क्या होता है, जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे रहे होते हैं, जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको लोन दे रहे होते हैं, तो लोन देते हुए क्या होता है कि एक कंडीशन लगाई जाती है कि ठीक है,
₹100 के लोन की जरूरत है, मान लीजिए ₹1 लाख के लोन की जरूरत है, ₹75,000 बैंक कहता है मैं दे दूंगा और ₹25,000 प्रमोटर तुम अपना लाओगे। इसे कहते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। बैंक कह रहा है मैं ₹100 और ₹25 प्रमोटर बिजनेस में तुम्हारे रहेंगे। आज की डेट में बिजनेस में प्रमोटर के ₹10 हैं, तो प्रमोटर को ₹15 और लाने हैं, तो ₹25 उसके हो जाएंगे ताकि बैंक फिर ₹75 दे सके। अब जो प्रमोटर पैसा ला रहे हैं, किस वजह से ला रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की एक टर्म्स है जिसको पूरा करने के लिए वो पैसा ला रहे हैं, तो ये भी डिपॉजिट्स नहीं है, ये भी डिपॉजिट्स नहीं है। अगेन हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या डिपॉजिट्स हैं और क्या क्या नहीं है, तो ये भी डिपॉजिट्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द निधि कंपनी इन एक्योर्डेंस विद द 406। निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, अपने मेंबर से पैसा लेती है और अपने मेंबर को ही देती है, इनका व्यापार ही यही होता है। तो इसलिए कोई भी अमाउंट जो निधि कंपनी ने रिसीव किया है उसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस है जो कि सेक्शन 406 में दी गई हैं, इसलिए इन्हें यहां पर सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी के पैसे को सुरक्षा हमने सेपरेट गाइडलाइंस के थ्रू दे रखी है, तो यहां पर उसे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है जी एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चिट फंड। चिट फंड के लिए क्योंकि सेपरेट गाइडलाइंस बनी हुई हैं, तो सारी गाइडलाइंस को कंफ्यूज तो करेंगे नहीं, तो इसलिए जब किसी चीज के लिए सेपरेट गाइडलाइंस है तो उसको वहां कवर करेंगे, यहां पे क्यों करेंगे, तो इसलिए यहां पर कवर नहीं है। फिर अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। भाई जी मैंने वो जैसे बताया था कि मतलब आप पेड़ खरीदिए वो हमसे आज पेड़ खरीद लीजिए और ₹5,000 का, और 15 साल बाद ₹2 लाख में हम आपको बेच के दे देंगे वो पेड़, क्योंकि चंदन का पेड़। तो ये जो स्कीमें होती हैं, आप हमारी कंपनी जिस कंपनी में पैसा लगाएगी वहाँ 25 दिन में डबल आ जाता है, अनुराधा ने जो स्कीम बताई थी फिरेरा फेरी में, ऐसी स्कीमें, इसे कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या कहते हैं? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है ना। तो वो स्कीम जो कि जो वो पैसा जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आता है, और जो स्कीम किसने बनाई है, सेबी ने बनाई है, उस स्कीम के अंतर्गत जो पैसा आता है वो, उस पैसे की बात कर रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट, एनी अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स और रीपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू इन अ सिंगल ट्रेंच, मतलब इंस्टॉलमेंट फ्रॉम अ पर्सन। दोबारा पढ़िएगा, एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर, ये डिपॉजिट नहीं है जो किसी स्टार्टअप को होता है। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है वो आपको बता देगा। स्टार्टअप की डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, कंपनीज एक्ट में नहीं है, तो इसलिए आपको बता देगा। कोई भी अमाउंट जो 25 लाख रुपए उससे ज्यादा का है, जो कोई स्टार्टअप रिसीव करती है कन्वर्टेबल नोट्स के थ्रू, कन्वर्टेबल नोट्स मतलब विच आर कन्वर्टेबल इंटू शेयर्स, आज वो डेट की फॉर्म में है बट लेटर ऑन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर जिनकी रीपेमेंट होनी है 5 साल के अंदर अंदर, सिंगल एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट होनी है। स्टार्टअप कंपनी का मतलब लिख रखा है कन्वर्टेबल नोट्स। कन्वर्टेबल नोट्स कहता है मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ मनी इनिशियली एज अ डेट विच इज रीपेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर और विच इज कन्वर्टेबल इन टू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी अपॉन अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट एंड एज पर द अदर टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड टू एन इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो कन्वर्टेबल डेट होते हैं, कन्वर्टेबल नोट होते हैं, ऐसे नोट जो कि डेट के रूप में आते हैं बट विच आर रीपेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। तो होल्डर के ऑप्शन पर रहता है कि या तो उनकी पेमेंट ले लेगा या फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शेयर्स में।
अपॉन द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, मतलब से फॉर एग्जांपल 2 साल बाद, 3 साल बाद ये इवेंट है, जैसे टर्नओवर 100 करोड़ पहुंचेगी, जैसे नेटवर्थ 1 करोड़ पहुंचेगी, इस तरीके के इवेंट जो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं कन्वर्टेबल नोट्स। तो 25 लाख रुपए तक, ध्यान से सुनना आप, नॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं है। क्या क्या डिपॉजिट नहीं है? लॉ कहता है जो अमाउंट आपको आया है अप टू 25 लाख रुपए प्लस रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी, 25 लाख रुपए तक प्लस स्टार्टअप कंपनी से आया है प्लस कन्वर्टेबल नोट के रूप में आया है, कन्वर्टेबल नोट के रूप में आया है, तो ये डिपॉजिट्स नहीं है, ये डिपॉजिट्स नहीं है, इसको पैसे की सुरक्षा करने की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल होने के चांसेस है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने के चांस है, और दूसरी बात, कन्वर्टेबल नोट्स जब इशू होते हैं तो उसमें वैसे ही बहुत सारे राइट्स होते हैं। नॉर्मली ये जितने भी राइट्स होते हैं, ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करा लेते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो ये ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे इक्विटी शेयर्स ही ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 साल के अंदर अंदर हम 3 साल बाद कंपनी के शेयर्स ले लेंगे, मतलब शुरुआत में डेट की फॉर्म में रहते हैं क्योंकि इन्हें पता कि डिविडेंड नहीं मिलता, बड़े बदमाश होते हैं लोग भी शुरुआत में, क्योंकि कंपनी का नई शुरुआत है तो इसलिए डेट के फॉर्म में रहते हैं। फिर कहते थे 3 साल बाद हम डिविडेंड लेंगे जब कंपनी चलने लग जाएगी, तो पहले इंटरेस्ट खाते हैं बाद में डिविडेंड खाते हैं। कैटेगरी होती है, समझ आई बात? फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर द सेबी इन एक्योर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय इट। तो एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये वो फंड होते हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। दोबारा बोल देता हूं, ये वो फंड है जो कि स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, फिर डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द सेबी इन एक्योर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय इट। तो ये भी किसी भी हालत में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? डिपॉजिट्स का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं है। ओह, मैंने यहां पे ये लिखना था 25 लाख और मोर, ये डिपॉजिट्स नहीं है। चले, तो एक बार फास्ट ट्रैक में जरा मैं रिकॉल कराता हूं क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। आइए मेरे साथ शुरू कीजिएगा। कोई भी अमाउंट जो गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है उसे हमें सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव हुआ जरूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से देने की जरूरत नहीं है कोई भी सुरक्षा डिपॉजिट्स की, तो इसलिए वो डिपॉजिट नहीं है। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, डिपॉजिट सिक्योर्ड नेचर का है, मिसमैच नहीं है डिपॉजिट्स। कोई भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स डिपॉजिट नहीं है। कोई भी अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है पर्सुएंट टू एन ऑफर मेड इन पर्सुएंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट्स नहीं है। परंतु हाँ, अगर शेयर एप्लीकेशन मनी 60 दिन में कन्वर्ट नहीं हो सकी, यानी कि अलॉटमेंट नहीं हो पाया, और 15 दिन तक वो फिर रिफंड भी नहीं हुई, तो 75 दिन के बाद वो शेयर वो डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा, वो डिपॉजिट्स मान लिया जाएगा। फिर कहता है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीव, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर से जो पैसा आया है या फिर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के रिलेटिव से जो पैसा आया वो भी डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड अगर वो अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हाँ जी ये पैसा हमारे हमने बोरोइंग वगैरह से रेज नहीं किया है तो वो डिपॉजिट नहीं है। परंतु अगर वो अंडरटेकिंग नहीं दे पाते तो वो डिपॉजिट है, तो वो डिपॉजिट है। फिर कहता है जी एनी अमाउंट रेज्ड बाय द वे ऑफ इशू ऑफ द बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट चार्ज, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और सिक्योर्ड डिबेंचर से जो पैसा आता है वो डिपॉजिट नहीं है, वो पैसा डिपॉजिट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट कहता है एनी अमाउंट रेज्ड बाय द वे ऑफ इशू ऑफ नॉन
कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल से जो पैसा आया, नॉन कन्वर्टेबल प्लस अनसिक्योर्ड के हैं बट दे आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। कोई भी अमाउंट जो इम्प्लॉय से रिसीव हुआ वो डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड वो एनुअल सैलरी तक है प्लस नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो डिपॉजिट नहीं है। कोई भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी जो कि ट्रस्ट में आई है वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। फिर एनी अमाउंट रिसीव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, प्रमोटर जो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लाए हैं क्योंकि बैंक फंडिंग की ये शर्त थी कि प्रमोटर को कुछ पैसा लाना पड़ेगा, तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, डिपॉजिट्स नहीं है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स नहीं है। एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपए और उससे ज्यादा का अमाउंट जो कि स्टार्टअप कंपनी को रिसीव होता है एज अ कन्वर्टेबल नोट्स, तो वो भी डिपॉजिट्स नहीं है। और लास्ट पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, डोमेस्टिक वेंचर फंड जो कि इक्विटी वगैरह में पैसा लगाते हैं या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, वो भी उनको जो पैसा रिसीव हुआ वो भी डिपॉजिट्स नहीं है क्योंकि पैसा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट में जाना है। लो जी, ये आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट था। अब इसमें एक चीज और, सेक्शन 76 मुझे समझाना था, पढ़ लो जी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 73 और 76। 73 क्या है? जब आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, और 76 क्या है? जब आप डिपॉजिट पब्लिक से लेते हैं, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। वेयर अ कंपनी एक्सेप्ट और इनवाइट एनी डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76 और रूल मेड देयर अंडर। If a company fails to repay the deposit or part thereof or interest due thereon within the time specified under 73, 76 or rule, the company shall in addition to the repayment of the amount of deposit and interest due, कंपनी के ऊपर सारा पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा, बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन, मतलब 1 करोड़ रुपए से लेकर और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, यानी कि कंपनी के ऊपर रीपेमेंट होगा प्लस इंटरेस्ट होगा प्लस फाइन होगा, कितना? 1 करोड़ और 2 into deposits, whichever is lower, उन दोनों में से जो भी lower है, ठीक है जी। Every officer in the company who is in default shall be punishable with the imprisonment. हर officer को भी imprisonment होगी, which may extend to 7 years, and with the fine, which shall not be less than 25 lakh rupees, but which may extend to 2 crore rupees or both. ये ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है। प्रोवाइडेड अगर ऑफिसर ने जानबूझ के ये काम किया है, जानबूझ के, तो उसको 447 सेक्शन के अंदर भी फ्रॉड का दोषी ठहराया जाएगा और वहां भी सजा होगी 447 सेक्शन के अंदर, सेक्शन 447 में भी उसे लपेटा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तो ये था जी हमारा डिपॉजिट्स का चैप्टर जो यहीं समाप्त होता है। इस संडे को मैं टेस्ट पहले डिपॉजिट्स का ही ले लेता हूं, ताजा ताजा चैप्टर हुआ है वही निपटाते हैं, तो पहले संडे को टेस्ट डिपॉजिट्स का ही है, ठीक है ना। चले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।